जब ये एक दिन रोज घटतो घटतो धरातल में पहुंच जाएगो तो प्रलय आ जाएगी, ये इतिहास हमारो कहब है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे ये गोवर्धन जो पर्वत है, जो कभी इतना बड़ा विशाल हुआ करता था कि इसकी छांव वृंदावन तक जाती थी, इस पर्वत की छांव, लेकिन आज इधर आइए। जब इनको ये मालूम पड़ गई नारद जी थे कि यहाँ पे किसी कन्हैया को जन्म होगा, तो ये गई नहीं ऋषि के संग, वैसे ऋषि इनने बिंदा चलते दक्षिण ले जा रही हती, और ये इनकी नारद जी के कहवे पे यहाँ रुक गए, तो यहाँ इनको पूजा अर्पण कलयुग में उत्पन्न है और चालू है गयो, और जाते बड़ो देवता कलयुग में कोई ना है प्यारे साक्षात कर साक्षात। और एक 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 भाव और है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से भैया यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह का ये दर्शन है। राधे राधे भैया, यहाँ पर किस प्रकार का दर्शन है भैया? जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है ब्रजमंडल का सबसे अनमोल धाम श्री गोवर्धन धाम, जहाँ पर कि आज हम आपको गोवर्धन पर्वत पर लेकर चलेंगे, और वो गोवर्धन पर्वत जिसे करोड़ों लोगों की आस्थाओं के स्वरूप में हम भगवान कृष्ण के रूप में उसका दर्शन करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये समस्त गोवर्धन पर्वत आप दर्शन कर रहे होंगे। इस गोवर्धन पर्वत का एक रहस्य है कि ये गोवर्धन पर्वत की हाइट जो वृंदावन तक इसकी छांव जाती थी, आज ये इतने में सिमट के रह गया, इसके पीछे कारण क्या है? आज हम इसी प्रश्न को लेकर यहाँ पर आए हैं कि गोवर्धन पर्वत का ऐसा वो कौन सा रहस्य है जो तिल तिल करके ये गोवर्धन पर्वत आज घटता जा रहा है। तो आज का हम दर्शन करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे साथ इसी तरह ब्रज की यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसी के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर लें, और लाइक करने के साथ जितना हो सके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस ब्रजमंडल की गोवर्धन पर्वत का सुख ले सकें। आइए बिना देरी किए हुए आज मैं आपको उस गोवर्धन पर्वत पर लेकर जाऊंगा, और वहां पर हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों घट रहा है ये गोवर्धन पर्वत, जो कि विशालकाय गोवर्धन पर्वत होता था। तो इस कृष्ण स्वरूप के इस विहंगम दृश्य के साथ में और सावन के महीने में बिना देरी किए हुए आज हम आपको लेके चल रहे हैं श्री गोवर्धन पर्वत पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम अपनी यात्रा को शुरू करने वाले हैं, और मेरे पीछे जितने भी ब्रज दर्पण के दर्शक आज जो आनंद लेंगे इसे गिरिराज पर्वत का आनंद लेंगे। आज हम होंगे, आप होंगे, और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में गिरिराज पर्वत होगा, और हम तीनों के ही भाव यहाँ पर हम लेके चलेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस पर चढ़ें, ये गिरिराज पर्वत हम सब ब्रजवासियों के लिए बड़ा अनमोल भाव है। आप सब भी मेरे साथ में प्रणाम करें, और हम प्रणाम करें इस गिरिराज पर्वत को। जय हो श्री गिरिराज धरण की जय। तो आज हम जब गिरिराज पर्वत पे चलेंगे तो यहाँ पर जो चलने का और आपको दिखाने का आज का हमारा जो ये वीडियो है, वो इस गिरिराज पर्वत के उस रहस्य के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि कैसे इतनी हाइट का ये गिरिराज पर्वत आज इतना रह गया है, इसके पीछे क्या कारण है। यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उनसे हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, और कहते हैं कि गिरिराज पर्वत पर जितने भी साक्ष्य हैं आप देखेंगे मेरे साथ में, इस गिरिराज पर्वत पे जितने भी साक्ष्य हैं, जब हम आपको पहले भी दर्शन करा चुके हैं और आने वाली वीडियो में भी हम आपको उसके दर्शन कराएंगे कि कैसे इस गिरिराज पर्वत पे समस्त देवताओं के चिन्ह देखो, भगवान कृष्ण के चरणों के निशान जगह जगह देखो, राधा रानी के चरणों के निशान यहाँ पर देखो, ऐरावत कुंड के ऐरावत हाथी जो इंद्र का था उसका दर्शन देखो, और उसके अलावा अनेकों साक्ष्य इन पर्वतों में, ये आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी उंगली पर उठाया वो गिरिराज पर्वत की आज हम और आप दर्शन कर रहे हैं। इस समय हम गिरिराज पर्वत के ऊपर यहाँ पर हैं, और गिरिराज पर्वत की शिलाओं के मध्य में है ये वो गिरिराज पर्वत जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में आज से 5000 साल पहले धारण किया है, और इसका संपूर्ण दर्शन आज हम और आप करेंगे। और इसके करने के पीछे कारण है, हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे ये गोवर्धन जो पर्वत है
जो कभी इतना बड़ा विशाल हुआ करता था कि इसकी छांव वृंदावन तक जाती थी, इस पर्वत की छांव। लेकिन आज इधर आइए, आज जो हम दर्शन कर पा रहे हैं वो आपको इस समय हम दिखा रहे हैं कि बिल्कुल हम लगभग हाइट पर ही आ चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उस हाइट पे आ चुके हैं इस गिरिराज पर्वत की पे। और ये शिलाएं आप गोवर्धन पर्वत की देख रहे हैं, और हम और आप इस समय ये जो दर्शन कर रहे हैं बिल्कुल गिरिराज पर्वत के जो टॉप पर हम इस समय खड़े हुए हैं, और आप जो अद्भुत दर्शन कर पा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, एक सरोवर का दर्शन आप मेरे नीचे देख सकते हैं, और उसके सामने वो परिक्रमा मार्ग है। हम बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के मिड में खड़े हुए हैं, और आपको जो हाइट दिखा पा रहे हैं कि इतनी हाइट थी, इतनी हाइट आज गोवर्धन पर्वत की रह गई है, और जिसमें कि ये कहते हैं कि तिल तिल घटता है, हर पल ये पर्वत घटता है। और एक ऋषि के श्राप के कारण अब हम आपको लेके चलते हैं पुजारी बाबा के पास, और उन्हीं से जानेंगे कि ये पर्वत उस ऋषि के श्राप के कारण आज क्यों तिल तिल घटता जा रहा है ये गोवर्धन पर्वत। और कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये गोवर्धन पर्वत बिल्कुल धरती में विहीन हो जाएगा, लेकिन पूरी जो लीला है इसका, विस्तृत जो आनंद है, अब आपको हम लेके चलते हैं और पुजारी बाबा से ही जानेंगे कि किस तरह का आनंद है इस गोवर्धन पर्वत का। सनातन धर्म के करोड़ों लोगों की आस्था इस गिरिराज पर्वत में है जो कि आप इस समय देख रहे हैं। इसको हम कृष्ण स्वरूप भी मानते हैं, हम भगवान कृष्ण के रूप में इसका दर्शन करते हैं, इस पर दूध चढ़ाते हैं, इस पर फल चढ़ाते हैं, करोड़ों ऐसी भावनाएं हैं जो कि इस पर्वत से जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक रहस्य है जो कि बार बार लोगों के मन में आता है कि इतना विशाल, इतना ऊंचा ये गिरिराज पर्वत आज तिल तिल क्यों घट रहा है। तो मेरे साथ में हमारे ब्रजवासी पुजारी बाबा हैं जो कि नित्य यहाँ पर रहे हैं और गोवर्धन वासी हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि यह गिरिराज पर्वत की क्या महिमा है। तो प्रभु सबसे पहले आपको हमारा राधे राधे। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्णा, बोलो गोवर्धन महाराज की जय, आज के आनंद की जय। भैया देखो ये गिरिराज पर्वत है जो एक रूप से पूजत है, दूजो रूप पूजाए और सहस्त्र पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए। यही एक ऐसा स्थान है यहाँ जो श्री कृष्ण कन्हैया ने रासलीला रची है, मांग के खाए हो। अलबत्ता बाकू राजा बनो भयो तो द्वारका गए हो राजा बनवे को, जब तक यहाँ रहे हो ग्वालिया बन के रहे हो, खूब माखन मिश्री लीला करी और सब मुख माखन मिश्री चुराए हो। और ये पर्वत हमारे गिरिराज जी को जो है, पहले हमारे ब्रज में इंद्र की पूजा हो गई, जब ब्रजवासी ने अब एक बार जब इंद्र की जब पूजा कर रहे तो ठाकुर जी बोले, कृष्ण कन्हैया बोले, भैया या इंद्र की पूजा छोड़ो, ये कह हमें कोई दीखे थोड़ी खावे को थोड़ी दे, हम तो गोवर्धन नाथ जी की पूजा करेंगे और इनको ध्यान धरेंगे। तो भगवान ने इंद्र की पूजा छोड़वाई के अब गिरिराज जी की पूजा करवाइए। तो जब ऐसे बोलो गए हो कि एक रूप से पूजत है, दूजो रूप पूजाए और सहस्त्र पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए। कृष्ण के टाइम में ये पर्वत 16 योजन ऊंच हो, 16 योजन को मतलब है एक कोस में चार कोस, यानी कि 16 चौका 64 कोस ऊंचो पर्वत हो। ये एक तिल रोज रोज घटे है, जिनको पुलत ऋषि को शराब मिलो वो बात में, जब ऋषि इनको लेके आए यहाँ तो इनसे बोले कि भैया चलो बैठे में इनको नारद जी के दर्शन भाई, क्या यहाँ कृष्ण कन्हैया को जन्म हो गो, कहाँ आप दक्षिण में जा रहे हो, जाज के आप रखो, आपको भगवान कृष्ण के रूप में गोपाल जी के रूप में हर घर में पूजवाएंगे और सबसे ज़्यादा कलयुग में आपकी ही पूजन अर्पणता होगी। तो ये यहाँ रुके ने कही पुलत ऋषि थे, मैं भगवान नहीं जाऊँगो। पुलत ऋषि बोले तू नहीं जाएगो तो एक तिल रोज घटेगो, बोले मंजूर है, जब ये एक तिल रोज घटतो घटतो धरातल में पहुँच जाएगो तो प्रलय आ जाएगी। ये इतिहास हमारो केब है, जब भगवान ने देखी इंद्र की पूजा छोड़वा दे, इंद्र मालूम पड़ी कि मेरी पूजा छूट गई हो, पर्वत की पूजा कोई माँ कराए रहे हो, तो मैंने कोप करो 7 दिन 7 रात तक खूब बरसा आंधी तूफान ऐसो को जो ब्रज को बहा दे, ऐसो तूफान लाए दियो। कृष्ण कन्हैया ने देखी ब्रजवासी पे आफत आ रही है, तो कृष्ण कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ उंगली से 7 दिन 7 रात या पर्वत को उठाए रहे। आते यानी कि 6,500 वर्ष पूर्व की बात है, जब ये पर्वत 16 योजन ऊंचो,
अब ये एक दिन रोज घटतो घटतो आएगा तो इतनो यहाँ से थोड़ा नीचे है आगे से ऊँचो है। ये जो आप स्थान देख रहे हो, दिखाओ थोड़ो, ये आप जो स्थान देख रहे हो, जो भगवान ने पर्वत को यहाँ से धारण करो, जहाँ में किशन चरण और राधा चरण है, दान घाटी पर दान लियो माँ दान लीला है, जतिपुरा में जो मीराबाई सीनाथ जी है नाथ द्वारे ले गई माँ सीनाथ जी की पूजा है, हर स्थान को अलग अलग उल्लेख है। एक दफे भगवान ने कंस ने बख्यासुर राक्षस को भेजो, बोले जाओ कंस से मार के आओ, किसने मार के आओ, तो बातें वो बछड़ा के रूप में हो, तो जब बछड़ा के रूप में हो किसने ने बा को पाम पकड़ के फराय के वो मार हो, तो ब्रजवासी बोले तेने गौ हत्या कर रही है, ये बछड़ा के रूप में हो, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या तो गंगा जी नहाए थे खत्म हो, तो किसन कन्हैया बोले ना ये कंस ने भेजो ये राक्षस हो, बोले हतो तो बछड़ा के रूप में तेने गौ हत्या कर रही है, तू जाके माँ स्नान कर गंगा जी, जब तेरो पाप खत्म होगो ब्रह्म हत्या को। तो किसन कन्हैया दाऊ दादा ते बोले दाऊ के गंगा जी जब मैंने राजा बलि को छलो बामन अवतार में और जब दो कदम मैंने रख दिए थे, दो पग और तीसरा पग को रखवे को जगह नहीं मिली, तो मैंने ब्रह्मांड में लात मारी तो बाको रक्त मेरे अंगूठाते निकलो, तो बातें ये गंगा जी प्रगट भई। अब गंगा जी मेरे रक्त थे यानी कि पामते लिखरी भैया, जमुना जी मेरी पटरानी है, तो मैं कहाँ पे जाके नहाऊँ और मेरे ब्रह्म हत्या को अपराध खत्म हो। तो कृष्ण कन्हैया ने राधा रानी ने और दाऊ दादा ने मनते सबरे तीरथन को आह्वान करो और मानसी गंगा जाज के सबरे तीरथन को कुंड आयो, जब जा में कृष्ण कन्हैया ने गोता लगायो तो वो ब्रह्म स्वरूप जब जो कहें विष्णु भगवान को अवतार हो, बाके गंगा स्नान करे थे बापे ब्रह्म हत्या को अपराध खत्म है जाए, तो हम तुम तो एक आम मानुष है। और प्यारे जगत में ब्राह्मण है, यहाँ प्योर ब्रजवासी है, कहना के एक रूप ते पूजत है, दूजो रूप पूजाए और सहस्त बुझा फैलाए के मांग मांग के खाए, यहाँ की ब्रज की रज रज में कण कण में भोले बाबा ब्राजे, के मुक्त कहे एक मुक्ति हो देवी, जो कि जैसे कर्म हो बाकू भई अनुसार मुक्त करे कोई के अच्छे कर्म स्वर्ग में बुरे कर्म नरक में, वो स्वयं देवी भी भगवान गोपाल जी ते पूछ रही है कि मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्तियु मुक्त है जाए, ये गोपाल जी के हैं पर मुक्ति से। तो प्यारे जब या ब्रज की रज में इतनो करंट है, या ठाकुर जी के पर्वत में या पर्वत को कोई ले नहीं जा सके है, इनको भी वरदान लगो वो पुलत ऋषि को रोज एक तिल घटेंगे पर कोई ले ना जा सके, ब्रज की रजय आप ले जा सको लेकिन गिरिराज जी के तौर यहाँ से ना ले जा सको। आप जो दीपावली के बाद में पड़वा में घर में अपने में गोबर को बना के गोवर्धन नाथ पूजो हो, वो इन्हीं को प्रतीक पूजो जाए, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो भैया ये यहाँ की भागवत ये लीला है जो पर्वत को पुलत ऋषि लेके आए और यहीं पर ये नारद जी के कहवे पर रुके के बन के यहाँ कृष्ण कन्हैया को जन्म होगो और वो तुमको एक रूप से पूज के खुद अपने ही रूप में यहाँ पूजवाएंगे, तो ये कलयुग को है प्रथम देवता, हम तो इनको ही पूजन करेंगे इनको ही ध्यान धरेंगे, जाते बड़ो देवता कलयुग में कोई सो ना है, प्रतिदिन या की सेवा और भाव भड़े रहे हो। अब ये लौट को महीना आ रो, दो महीना तक करोड़न पब्लिक आवेगी, ये गुरु पूर्णिमा गई है, हर पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा में यहाँ लाखन का करोड़न भीड़ होवे है, गंगा को दूध की नंगा बोले, हमारे यहाँ सोने को पर्वत बोले हैं, हमारे यहाँ 7 वर्ष के बालक की पूजा है, गोपाल जी ने 6.5 वर्ष तक के ने उतना पूतना अख्यासुर बख्यासुर सब राक्षस मार दिए, 7 वर्ष के ने पर्वत उठाए दियो, 10 वर्ष 6 महीना को कंस मार के द्वारका चलोगो, तो हमारे यहाँ कितने बड़े बालक की पूजा है लड्डू गोपाल की, ना तंत्र चले ना मंत्र चले, बोलो गोवर्धन नाथ की जय। महाराज जी लाल की एक सवाल है, मारो सवाल ये है कि जो अगस्त मुनि पुलस्त मुनि को जो श्राप लगो है या कि पीछे कारण क्या है? कारण जियो के बू याकू दक्षिण में ले जानो चाहिए, बिंदाचल को बेटा है, इनके बड़े भैया को नाम है गिरगिरनाथ जूनागढ़, इनकी 9999 सिंधी है, इनकी एक बहन है बिंदाचली देवी और ये बिंदाचल के बेटा है गोवर्धन नाथ, इनके बड़े भैया हैं गिरगिरनाथ जूनागढ़ में, तो इनकी पूजा जब इनको ये मालूम पड़ गई नारद जी थे कि यहाँ पे किसी कन्हैया को जन्म होगा, तो ये गई नहीं ऋषि के संग, वैसे ऋषि इनने बिंदा चलते दक्षिण ले जा रही हती और ये इनकी नारद जी के कहवे पे यहाँ रुक गए, तो यहाँ इनको पूजा नर्पण कलयुग में उत्पन्न है और चालू है गयो और जाते बड़ो देवता कलयुग में कोई ना है प्यारे साक्षात साक्षात
भरे लॉकडाउन में दुनिया पानी थे, पापा कह रही हो ये हमें रबड़ी में चकाचक छनवाए रहो तो बताए सो देवता हुगो का। गोवर्धन गिरधारी हर रखी दूर यानी हर तरह की बीमारी, यहाँ पे हर तरह की कोरोना में दुनिया में हाहाकार हो, यहाँ पे पत्ता ना हिलो बीमारी को, सब खुले भयो मैदान। ऐसो परम देवता है भैया, ये कृष्ण के रूप में पूजे है और कृष्ण ही कोई रूप है, एक गिरिराज जी हूँ। एक समान यो मान लो के एक रूप से, मतलब एक रूप है ये कृष्णा को और गोपाल को और गिरिराज जी को, ये जाकी कथा है भैया। जैसा कि महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमको बताया कि जो लीला थी वो इस प्रकार है कि मेरे पीछे आप गिरिराज पर्वत के आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, और ये मुख्य जो दर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग, हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी आस्था से बड़े सुंदर भाव से यहाँ पर ये पूजा करते हैं, जहाँ पर कि राधा रानी के चरणों के निशान और भगवान कृष्ण के चरणों के निशान, दोनों चरणों के निशान यहाँ पर बताते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे ठाकुर जी के चरणों का निशान है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे, हजारों लाखों लोग आते हैं। और ये हमारी श्री राधा रानी का जो गौरव वर्ण का आप देख रहे हैं, ये हमारी किशोरी जी का यहाँ पर है। तो राधा रानी और ठाकुर जी का गिरिराज पर्वत पर होना ये अपने आप में अद्भुत है, और एक बार आप पुनः दर्शन कीजिए और इसी भाव का दर्शन, यहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं कि कैसे गिरिराज पर्वत पर अनेकों साक्ष्य हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी के होने के। तो गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण लीला जानने के बाद हम आपको पुनः एक बार फिर गोवर्धन पर्वत पर लेकर आए हैं, जहाँ पर आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं ये स्थान है गोवर्धन पर्वत, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हमारे दाऊजी भैया का जो मंदिर है, और यहाँ पर जो अनेकों दर्शन हैं उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के समस्त दर्शन हैं। और एक 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 भाव और है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से भैया यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह का ये दर्शन है। राधे राधे भैया, यहाँ पर किस प्रकार का दर्शन है भैया? ये गोपेश्वर महादेव है। तो अरे वाह, ये देखिए आप, गोवर्धन पर्वत पर आज सोमवार है और यहाँ गोपेश्वर महादेव का शिवलिंग, यानी कि ब्रजवासियों के लिए पर्वत अपने आप में अलौकिक है कि कैसे यहाँ के कण कण में लोग अपने भाव का दर्शन करते हैं। तो ये दूसरा जो दर्शन आप देख रहे हैं भैया, जो जल लेके आए हैं ब्रजवासी हैं, और यहाँ पर ये बताएं भैया ये क्या था? भैया को घोड़े में ठाकुर जी को चढ़ाया। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, आप आज भी हम सब ब्रजवासी ये चरण का निशान देख रहे हैं आप, और अलौकिक दर्शन है। और ये खुर का निशान, ये देखिए खुर का निशान, ये गैयाओं के बछड़ों के खुर के निशान आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भैया यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और इन्हीं के पीछे पीछे हम चलेंगे और सावन के महीने में ये जो जल से सेवा कर रहे हैं और थोड़ा भाप भी इनसे लेंगे, ये फिसलनी सिला, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर फिसलनी सिला बनाई हुई है। फिसलनी सिला एक खेलने की ठाकुर जी की जगह होती थी, बच्चे खेलते हैं ऐसे, इस पर फिसलते हैं ये लोग, ये फिसलनी सिला हमारे ठाकुर जी की। आइए वो भैया देख रहे हैं आप वहाँ पर, आइए मेरे साथ में। और भैया ये कौन सी जगह रही है जी? अरे वाह, ये पूरा शिव, ये गजानन है और ये क्या क्या दर्शन बताए? ये नंदी जी, अच्छा। ये बोले जी, ये पार्वती जी, कार्तिक, देखो मोर बना हुआ है ना, देखो ये, और बीच में शंकर जी हैं, रेल पत्र भी चढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि किस तरह से इस गिरिराज पर्वत पर ये क्या क्या बताया आपने? बल्लभ कुली तिलक। अच्छा, ये देखिए बल्लभ कुली तिलक इधर आई, ये देखो तिलक बना हुआ है, ये हमारे अलौकिक भाव, थोड़ा पास से दिखाइए इस तिलक को, ये बल्लभ कुल के जो लोग तिलक लगाते हैं इस तरह का व्हाइट कलर का तिलक बना हुआ है। और ये संपूर्ण दर्शन, इसके अलावा और कहाँ जाएंगे भैया आप? सिंह मंदिर में आप देखोगे ना डाउ को, अच्छा जी रूप है ठाकुर जी सिंह को, अब गौर से देखो, अच्छा सिंह रूप में यहाँ दाऊ भैया हैं, और दाऊ भैया का मंदिर भी यहाँ पास में ही है, ये देखो, ये देख रहे हैं आप, जिस भाव की हम चर्चा कर ही रहे थे उस भाव को यहाँ ब्रजवासी कैसे जी रहे हैं, कैसे यहाँ सेवा कर रहे हैं, उसका दर्शन भी हमने और आपने देखा है कि कैसे इस गिरिराज पर्वत के
एक एक कण में हमारे ठाकुर जी का वास है, हम कैसे यहाँ के इन पर्वतों में आज भी अपने उस कृष्ण के ब्रज के उस कृष्ण को, द्वापर काल के उस कृष्ण को याद करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री गोवर्धन पर्वत से, गोवर्धन धाम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।